हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ऑफ थिंग्स। आज हम श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की इंडिया विजिट की हाइलाइट्स देखेंगे। श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापाक्षा 5 डे विजिट पर इंडिया आए हुए हैं। ये उनकी फर्स्ट बायलेटरल ओवरसीज़ विजिट है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद वो वाराणसी, सारनाथ, बोधगया और तिरुपति भी विजिट करेंगे। वो करंट प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापाक्षा के एल्डर ब्रदर हैं और ख़ुद भी पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब हम उनकी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है उसकी हाइलाइट्स देखते हैं। इस मीटिंग में श्रीलंका ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि वो डेब्ट रिपेमेंट को 3 साल डेफर कर दें। फिलहाल श्रीलंका के ऊपर मोर देन $60 बिलियन फॉरेन डेब्ट है। इस मीटिंग में $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो इंडिया ने श्रीलंका को एक्सटेंड कर रखी है उसके यूटिलाइजेशन प्लान्स को भी डिस्कस किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने पोस्ट वॉर रिकन्सिलिएशन और श्रीलंकन तमिल का जो इशू है वो भी रेज किया। उन्होंने होप एक्सप्रेस की कि जो 13th अमेंडमेंट है उसे जल्दी इंप्लीमेंट किया जाएगा और जो तमिल पीपल हैं उन्हें इक्वालिटी, जस्टिस, पीस और रेस्पेक्ट मिलेगी एक यूनाइटेड श्रीलंका के अंदर। पर श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कोई फर्म कमिटमेंट नहीं दिया है। इस मीटिंग में इन्हांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग पे भी डिस्कशन हुआ। काउंटर टेररिज्म एक मेजर एरिया ऑफ बायलेटरल कोऑपरेशन बन गया है, स्पेशली आफ्टर ईस्टर डे टेररिस्ट अटैक्स। दोनों देशों ने यह भी अग्री किया कि जो ट्राइलेटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के बीच में उसे जल्दी रीऑपरेशनलाइज किया जाना चाहिए। श्रीलंका ने इंडिया से और फंड्स की भी रिक्वेस्ट की है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा जो इंडिया के प्लान इन्वेस्टमेंट है एलएनजी पोर्ट और कोलंबो के ईस्टर्न पोर्ट में ऑयल टर्मिनल, उन पर भी डिस्कशन हुआ। पर श्रीलंका ने त्रिनकोमाली पोर्ट और मटाला एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, टूरिज्म और कनेक्टिविटी पर भी डिस्कशन हुआ कि इन्हें कैसे इम्प्रूव करें। फिशरमैन इशू पर एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को अडॉप्ट करने की बात हुई है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।